हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन डिजाइन कोर्स में। ये कोर्स स्पेशली बिगनर्स के लिए है जो कि इन डिजाइन को सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं और बेसिक नॉलेज उनको नहीं है इन डिजाइन की, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज हो या हल्का फुल्का अगर ग्राफिक का नॉलेज हो उनको तो बेटर से समझ सकते हैं। लेकिन पीरियड में अगर कोई भी इन डिजाइन का नॉलेज नहीं है तो आप इसको बेसिक कोर्स से आप बहुत कुछ स्टार्टिंग की नॉलेज ले सकते हैं, फिर फ्यूचर में आपको इजी से आप एडवांस लेवल में भी सीख सकते हैं। इस कोर्स में ये मैंने टॉपिक इस पर लिख रखा है जो मैं कवर करूँगा, इंट्रोडक्शन, पैनल्स एंड टूल क्या है, पेज हैंडलिंग कैसे करते हैं, शॉर्टकट की जो होते हैं कुछ मैं इसे बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है, डाटा इम्पोर्ट कैसे करते हैं वर्ड फाइल से आप डाटा को कैसे लेके आएंगे, लिंक हैंडलिंग कैसे करते हैं, लिंक जो हम जेपीजी कोई भी इमेज लगाते हैं तो उसका इन डिजाइन में लिंक बन जाता है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, स्टाइल मैनेजमेंट, बहुत सारी स्टाइलिंग होती है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, कितने प्रकार के स्टाइल हम बना सकते हैं, कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, इसके अलावा एरर को कैसे मैनेज करेंगे, कई बार किसी जगह पर एरर आती है तो उसको एरर को क्या समझेंगे, किस एरर का क्या मतलब है, कहाँ पर एरर शो करता है, तो इस तरीके से इसमें जानेंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम ये समझ सकते हैं कैसे एक प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, और लास्ट में इसमें बताऊंगा कि आउटपुट कैसे निकालेंगे किसी इस फाइल का, इस जो आपने प्रोजेक्ट बना लिया उसको हम किस फॉर्मेट में प्रिंटर को या आगे हम फाइल को भेजते हैं, जैसे PDF जो होती है, ओरिजिनल फाइल होती है उसको कैसे पैकेज बनाएंगे, तो इसके बारे में ये हम बताएंगे आपको। तो ये जो बेसिक चीज़ें मैं 10 टॉपिक में इसको डिवाइड किया हूँ, तो इतना अगर आपको बेसिक नॉलेज आ जाता है तो आप एडवांस लेवल में जा सकते हैं और आगे बहुत सुख सीख सकते हैं। हो सकता है मैं एडवांस लेवल की ट्यूटोरियल मैं खुद बनाऊंगा तो आप नेक्स्ट फॉलो करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला जो है इंट्रोडक्शन में ये बता रहा हूँ कि ये क्या है इंडिजाइन और क्यों लोग इसको यूज करते हैं, इसका यूजेज क्या है, कौन इसको यूज करता है। तो बेसिकली इंडिजाइन जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बहुत सारी डिजाइनिंग कर सकते हैं, स्पेशली ये बुक वर्क के लिए होता है, स्पेशली लंबा प्रोजेक्ट अगर कोई बनाते हैं मैगजीन का, बुक का, 2 पेज से ज़्यादा 10-20 पेज की या 100 पेज, 200 पेज, 1000 पेज तक आप कोई भी प्रोजेक्ट को इसमें हैंडल कर सकते हैं। और इसका यूज इसलिए होता है कि लाइट हो, जैसे कोरल ड्रो है उसमें भी आप पेज बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है पेज को हैंडल करना बहुत, मतलब जितना ज़्यादा अगर पेज बनती है तो उसमें जो फाइल है हैवी हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि जितने फाइल होते हैं उसकी लिंक बनती है तो ये फाइल को हैवी नहीं होता, ये बहुत स्लो फास्ट काम करता है और वो स्मूथ काम करेगा, इसलिए हम लोग इंडियन का यूज करते हैं और बुक वर्क के लिए और लंबे प्रोजेक्ट के लिए, और ब्रोशर बना सकते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट, छोटे 2-4 पेज के ब्रोशर बनाना है, पोस्टर बनाना है, कुछ भी आप बना सकते हैं, लेकिन स्पेशली बुक, मैगजीन या कोई लंबा प्रोजेक्ट के लिए कोई बना रहे हैं आप तो उसके लिए ये यूज होता है। इसका यूज जो करते हैं बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर यूज करते हैं, बहुत सारे आप मार्केटिंग या कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं कोई प्रेजेंटेशन के लिए तो कोई भी इसको यूज कर सकता है, अगर जिसको आता है तो कोई भी आप रिज्यूम भी बना रहे हैं, विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट है पैनल एंड टूल। पैनल टूल में मैं आपको थोड़ा सा इसमें पैनल्स कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं, इसके टूल्स क्या हैं ये आपको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पैनल जो होता है, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है ग्राफिक डिजाइन में तो ये बता दूँ कि ये सब पैनल होता है, जैसे लेफ्ट राइट में जो आ रहा है जैसे पेज का, ये लेयर्स का, लिंक का, ये सब पैनल, किसी पे क्लिक करेंगे तो इसको हम पैनल बोलते हैं, और ये होता है ऊपर का मेनू बार, ये होता है प्रॉपर्टी बार। तो इसमें जो भी आप टूल्स लेते हैं टूल्स के बारे में और डिटेलिंग इसमें होती है, जितना आपको क्या डिजिट, कितना आपको क्या मार्जिन देना है, कितना फिलिंग करना है,
एक तरीके से डेप्थ है इसके टूल्स की। इसके बाद ये सारे टूल्स हैं जो टूल्स पैनल है एक तरीके से, ये इसमें बहुत सारे टूल हैं, जिस जिस टूल का अलग अलग यूजेज हैं अलग अलग टूल्स के, और ऊपर का ये हो गया मेनू बार। तो कई सारे टूल्स जो हैं इस मेनू बार के अंदर भी मिल जाएंगे, और कई सारे मेनू बार के अंदर जो फंक्शन है इस टूल के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका टूल्स और पैनल। टूल्स पैनल का बेसिकली आपको डिटेल्स में कोई, आप जैसे आप मान लीजिए हम टेक्स्ट फ्रेम लेते हैं, तो टेक्स्ट फ्रेम लेंगे तो इसके अंदर कोई भी अगर आप डाटा लिखते हैं तो इसकी जो डाटा की डिटेलिंग है, अगर राइट अलाइनमेंट लेफ्ट रेफ्ट, जैसे ये इस कैरेक्टर का जो है पैनल खुल गया, इसके अंदर से आप फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें बहुत सारी दिया हुआ है डिटेलिंग की, आप यहाँ से जो करना है कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है, उससे ज़्यादा डिटेल इस पैनल के अंदर होती है, तो इस तरीके से इसका यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारी ये पैनल है, कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, स्विचेज, इसमें क्या होता है, इसमें जितने फॉन्ट होते हैं कलर होते हैं, कलर के इसमें स्विचेज आप बना सकते हैं, कुछ बने बनाए इसमें स्विचेज भी होते हैं, यहाँ से आप ग्रेडियंट भी ले सकते हैं। ये स्ट्रोक का पैनल है, इसमें आप लाइन, जिस प्रकार की आप लाइन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप लाइन ले सकते हैं। अगर ये पैनल सारा हाइड हो जाता है तो ये विंडो में जाके यहाँ से आप पैनल को दोबारा से ला सकते हैं जो आपको पैनल चाहिए। इसके अलावा ऊपर जो ये सब जो है प्रॉपर्टी है, ये आप सेंटर अलाइनमेंट या कोई भी कुछ करने के लिए यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था शॉर्ट में आपको टूल्स एंड पैनल का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट में आते हैं पेज हैंडलिंग एंड पेज लेआउट एंड सेक्शन। इनडिजाइन का सबसे मेन है पेज हैंडलिंग का काम। पेज इसमें बहुत ज़्यादा अगर बनाते हैं तो उसको हैंडल करना होता है, किस पेज पे क्या है, उसमें कितने पेज नंबर कहाँ से कहाँ आएंगे, बहुत सारी चीज़ इसमें होती है पेज हैंडलिंग में। तो पेज का जो आते हैं, देखिए यहाँ पे जो पेज लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसमें पेज खुल जाएगा। ये CS6 सॉफ्टवेयर है, आप इससे लोअर वर्जन भी यूज़ करेंगे तो अभी जितना मैं बता रहा हूँ ये सारा लगभग कॉमन सारे वर्जन में सेम ही होंगे। अगर इसे हायर भी यूज करते हैं तो ये जो मैं बता रहा हूँ, जिस लेवल का बता रहा हूँ, ये सब में लगभग सेम होगा। तो इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर वर्जन ओरिएंटेड नहीं है ये ग्राफिक जो ट्यूटोरियल है। तो ये जो है आपका ये पेज यहाँ से खुल जाता है। अगर किसी पेज को डिलीट करना है, किसी बीच में इंसर्ट करना है, तो उसको यहाँ पे आप सारा कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर इस पेज को डिलीट करना है, इस पर डिलीट का बटन दबाएंगे, ये दो नंबर पेज डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएगा। इसके अलावा अगर कहीं इंसर्ट करना है तो यहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट करने का एक ये बटन में यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर डुप्लीकेट करना है यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये सारा आप पेज यहाँ से हैंडलिंग कर सकते हैं, जिस पेज पर जाना है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे इस तरीके से। और इसके अलावा आप यहाँ से पेज नंबर देख सकते हैं जो बॉटम में है, ये पूरी पेज की लिस्ट है, कितने पेज की बुक है, जिस पेज पर जाना चाहते हैं यहाँ से भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर शॉर्टकट से जाना चाहते हैं तो कंट्रोल जे दबाएंगे तो जिस पेज पर जाना चाहते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाएगा, यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ से भी जा सकते हैं। मान लीजिए 10 नंबर पेज पर जाना है तो 10 नंबर पेज पर चले जाएंगे, यहाँ से मैं आ जाता हूँ 5 नंबर पर। तो इस तरीके से आप पेज आगे पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो मैंने आपको कंट्रोल जे बताया, अगर आप शॉर्टकट से नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप तो मेनू में ढूंढेंगे तो यहाँ से आपको लेआउट में जाएंगे तो यह है गो टू पेज, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप पेज नंबर पे जा सकते हैं। तो ये है आपका पेज को हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर इस पेज को सारे को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं। इसमें फेसिंग पेज करना है तो
तो ये है आपका पेज हैंडलिंग। इसके अलावा इसमें आप फेसिंग पेज, बहुत सारी पेज की सेटिंग कर सकते हो, जैसे मैं न्यू आपको खोल के दिखाता हूँ। अगर आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो यहाँ पे ओरिएंटेशन देख सकते हैं, आपको लैंडस्केप में चाहिए कि पोर्ट्रेट में चाहिए, बैंडिंग किधर से करना है, कितना मार्जिन चाहिए, कितना आपको ब्लेड चाहिए, कितना टॉप लेफ्ट मार्जिन चाहिए, सारा कुछ इसमें आप सेट कर सकते हो। जैसे मैं एक न्यू पेज आपको खोलता हूँ। अब यहाँ से न्यू पेज खोलिए तो सिंगल पेज खुला हुआ है, तो इस पर इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो नया पेज इसमें इंसर्ट होता जाएगा। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, लेफ्ट पे आ रहा है, तो इसको राइट पे करना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये राइट से स्टार्ट होगा पहला पेज। इसके अलावा आप इसमें अगर आप नंबरिंग देना चाहते हैं, कहाँ से देना है, सेक्शन डिवाइड करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके इसमें नंबरिंग एंड सेक्शन होता है, यहाँ से आप नंबरिंग सेक्शन कर सकते हैं। जैसे कई बुक में आपने देखा होगा स्टार्टिंग के 5-6 पेज में नंबरिंग रोमन अंक से होता है और बाकी का 1-2-3 से होता है, तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें सेक्शन से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना है, मान लीजिए ये अभी पोर्ट्रेट में है, तो कंट्रोल आल्ट पी दबाएंगे या फिर यहाँ से आप देखिए फाइल मेनू में जाएंगे, पेज प्रीसेट डिफाइन नहीं पेज सेटअप, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो ये देखिए आपका ये लैंडस्केप में हो जाएगा इस तरीके से पेज। अगर ये फेसिंग पेज आ रहा है, इसको अगर सिंगल पेज आपको करना है तो वही कंट्रोल आल्ट पी दबाएंगे, ये फेसिंग पेज से यहाँ से ये टिक हटा देंगे तो आपका ये सिंगल पेज हो जाएगा, फेसिंग पेज से हट जाएगा। तो इस तरीके से पेज हैंडलिंग आप कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है, एडिट करना है या दूसरे कहीं मूव करना है, तो बहुत सारी चीज़ इसके अंदर आता है। तो बाकी नेक्स्ट और इसमें बताता जाऊंगा तो आपको और इसमें नॉलेज मिलेगा। अब इसको बंद करते हैं, अब आते हैं इसमें पेज हैंडलिंग हो गया, नेक्स्ट आते हैं अब चौथे नंबर पे आते हैं सम शॉर्ट की। इसमें बहुत सारे शॉर्ट की हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे अगर आप हैं स्टार्टिंग लेवल पे, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट की बता रहा हूँ कि इससे आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मैनुअली वर्क से आप बच सकते हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारा लोग क्या करते हैं, एडिट में जा उसमें मेनू में जाके या माउस का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि कीबोर्ड का यूज अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उससे काम जो है फास्ट होगा। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं सब नहीं बताया है, आप इसको अगर ट्रायल लेना चाहते हैं तो आप उसके साइट से जाकर ट्रायल ले सकते हैं या सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लें कोई भी। अब मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ कि बेसिक में ये स्टार्टिंग लेवल पे जो डिजाइनर है उसको दिक्कत क्या आती है, तो उसको इस ये कम से कम ये 5-6-10 शॉर्ट की का यूज करेंगे तो उससे उनका काम फास्ट हो जाएगा और आपको बोरिंग सा नहीं लगेगा और मज़ा आएगा काम करने में। जैसे ये W होता है, तो W का क्या यूज है कि ये जो आपका मार्जिन की लाइन वाइन जो दिख रही है, ये वाइट बाहर भी वाइट जो एरिया दिख रहा है, तो ये W क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू मोड में आ जाएगा, जितना आपका प्रिंट होना है वही एरिया आपको दिखेगा। देखिए W से क्या होगा, जो आपका प्रिंटेबल एरिया है वो दिख जाएगा, बाकी का अलग हो जाएगा, वही हाईलाइट हो जाएगा। फिर W क्लिक करेंगे तो उसी मोड पे आप आ जाएंगे जहाँ पे थे, प्रीव्यू करने के लिए है। इसके अलावा आपका ये जो है सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ, शिफ्ट W जो है इससे क्या होगा, शिफ्ट W से क्या होगा, मैं करके दबा, देखो ये होगा फुल स्क्रीन हो जाएगा। जैसे कोरल रो में हम F9 करते हैं, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है, तो इसमें क्या होता है शिफ्ट W करने से आपका ये फुल स्क्रीन हो जाएगा एक तरीके से। तो ये है इसका शॉर्टकट की, काफ़ी यूज होता है अगर आप वर्क करेंगे। इसके अलावा जो ESC जो
जो आपका बटन होता है कीवर्ड में बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर होता है, तो उससे क्या होता है आप स्पीक टूल पे आ जाएंगे, कहीं पे रहेंगे, मान लीजिए हमने टेक्स्ट टूल पे हैं तो ये बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इस पे है भी दबाने से आएंगे, ये जो वी होता है तो सिचुएशन के अनुसार होता है, जैसे मान लीजिए हम टेक्स्ट फ्रेम के अंदर हैं तो यहाँ पे भी दबाएंगे तो भी टाइप हो जाएगा, तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको एस्केप की दबाना है, देखिए आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी टूल पे हैं, किसी मान लीजिए रेक्टेंगल टूल पे हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे जाना है तो आप मैनुअली माउस से क्या करते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो उस पर नहीं जाना है तो आप भी वी बटन दबा दीजिए तो यहाँ पर आप आ जाएंगे डायरेक्ट। तो क्या होता है ये शॉर्टकट की होता है, कोरल में क्या होता है हम कंट्रोल स्पेस मारते रहते हैं तो हम वहाँ पे जाते हैं कंट्रोल स्पेस, तो यहाँ कंट्रोल स्पेस मारेंगे तो जूम टूल आ जाता है, तो यहाँ पे अलग है। तो ये इसका अलग सा शॉर्टकट की है, इसका आप यूज कीजिए, जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना आपका काम ईजी होगा। जैसे हम कहीं भी किसी भी टूल में है भी दबाएंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, और एस्केप की दबाएंगे तो भी यहाँ आ जाएंगे। अगर एस्केप की ज़्यादा यूज होगा जब टेक्स्ट फ्रेम के अंदर है, टेक्स्ट टूल के अंदर है। इसके अलावा नेक्स्ट है कंट्रोल आल्ट सी, ये वाला मैं बता रहा हूँ आपको। इस टूल से क्या होगा कि जो आपका फ्रेम है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो एक फ्रेम के अंदर आता है। जैसे देखिए ये हमने फ्रेम छोटा कर दिया तो यहाँ पर रेड, ये रेड आ गया, तो रेड का मतलब यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है। तो अगर कंट्रोल आल्ट सी क्लिक करेंगे तो क्या होगा ये खुल जाएगा, फिट हो जाएगा, जितना टेक्स्ट है इसके अंदर जो है पूरा खुल जाएगा। अगर इसे बड़ा रहेगा फिट हो जाएगा, ये कह सकते हैं इसको बड़ा होगा थोड़ा सा तो कंट्रोल आल्ट सी करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा एरिया है या कम एरिया है तो जो फिट हो जाएगा फ्रेम जो है कंटेंट के अंदर फिट हो जाएगा इस शॉर्टकट की से। इसके अलावा है कंट्रोल और स्पेस, कंट्रोल और स्पेस मारेंगे एक साथ दबा के रखेंगे तो ये जूम आ जाएगा आपका। देखिए हमारा कोरल ड्रॉ में क्या होता है जेड बटन दबाते हैं तो जूम आता है, यहाँ से भी जूम आएगा, लेकिन इसमें इसका उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कई सिचुएशन में अगर आप टेक्स्ट फ्रेम के अंदर हैं तो यहाँ पे जेड दबाएंगे तो जेड टाइप हो जाता है। जैसे देखिए तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कंट्रोल और स्पेस का यूज करेंगे, देखिए जूम का बटन का जूम वाला टूल जो है आ जाएगा। तो इसलिए सिचुएशन के अनुसार अलग अलग टूल्स का अलग अलग यूज कर सकते हैं, तो ये इसमें फ़र्क है कंट्रोल स्पेस में और जेड में। इसके बाद कंट्रोल डी आपको बता रहा हूँ प्लेस ए इम्पोर्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल डी जैसे यहाँ पे जो आपको बटन होगा फाइल में जाएंगे तो इसके अलावा ये प्लेस पे क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज़ यहाँ पे इम्पोर्ट करने के लिए होता है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, जैसे मान लीजिए कोई इमेज लानी है तो मान लीजिए ये इमेज लानी है तो यहाँ पर आप इमेज इसको ला सकते हैं कंट्रोल डी करके। इसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट डी, इसमें क्या होगा आपका लिंक का पैनल खुल जाएगा। इससे कंट्रोल शिफ्ट डी क्लिक करेंगे तो जो लिंक है अभी इस फाइल के अंदर कोई भी लिंक नहीं लगा हुआ है इसलिए आपको इसमें कोई लिंक नहीं दिख रहा है। वैसे आपको मैं लिंक वाली फाइल एक खोल के दिखाता हूँ, उसमें आपको लिंक दिख जाएंगे सारे। ये देखो आपका एक मैंने अलग से ट्यूटोरियल बनाया था इंडिजाइन के ऊपर, तो उसकी ये फाइल है। देखिए कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ पे जो लिंक है इसको आप कर दो हाइड, इसमें दो लिंक लगे हैं तो ये आपको देखो लिंक इसमें दिखा दिया। ये एरर क्या है कैसे कैसे आ रहा है इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ मैं क्यों एरर आ रहा है ये सब। तो ये है लिंक पैनल,
तो अब आते हैं यहीं पे। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, बार बार हमें लिंक चेक करना पड़ता है, लिंक है कि नहीं है, कोई लिंक लगाना है, इसलिए इसका कंट्रोल शिफ्ट डी का यूज इनडिजाइन में बहुत होता है। फिर इसको हाइड करना है तो वही बटन दोबारा क्लिक करेंगे, हाइड हो जाएगा। इसके अलावा F1 जो है पैराग्राफ स्टाइल के लिए यूज होता है, और इसका भी यूजेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बार बार हम कोई स्टाइल बनाते हैं, जो हमने स्टाइल बनाया है उस स्टाइल को लगाने के लिए, स्टाइल को ऐड करने के लिए, देखने के लिए। जैसे इसके अंदर कोई स्टाइल नहीं बनी है, लेकिन आपको इस फाइल में दिखाता हूँ, ये देखो F11 इस समय इसको हटाता हूँ जो स्टक खुला हुआ है। इसमें देखिए जो जो स्टाइल बने हुए हैं इसमें स्टाइल में आपको दिखता है, जैसे देखो इस पर क्लिक किया हमने, ये स्टाइल लगा हुआ है, और ये क्लिक कर देंगे तो इसमें देखिए स्टाइल यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टाइल को हमें शो करने के लिए F11 का यूज हम बहुत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बताता हूँ स्पेस एंड एच, ये इसका क्या है कि हैंड टूल को लाने के लिए होता है। एच हम क्लिक करेंगे तो देखिए हैंड टूल आ गया। अगर हम किसी टेक्स्ट फ्रेम के अंदर हैं जहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे एच दबाएंगे तो एच टाइप हो जाता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है पहले क्या करेंगे स्केप की दबाइए, फिर आप स्पेस बटन क्लिक करेंगे तो वहीं आपका फ्री हैंड टूल आ जाएगा। अगर टेक्स्ट फ्रेम के अंदर है स्पेस दबाएंगे तो भी स्पेस आ जाएगा। तो इसके लिए यही है कि पहले स्केप पे जाइए फिर कंट्रोल स्पेस या फिर स्पेस बटन का यूज करके आप ये हैंड टूल ला सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल जे है, कंट्रोल जे से क्या होगा पेज नंबर पे आप जाने के लिए होता है। जैसे अगर हमें किसी पेज पे जाना है तो एक तीन तरीके हैं, एक तो आपका इस पे क्लिक करके जिस पेज पे जाना जा सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए अभी हम कितने नंबर पेज पे हैं 9 नंबर पे, अगर हमें 14 पे जाना है या 15 पे जाना है ऐसे स्क्रोल करके भी जा सकते हैं या फिर यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप F12 करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा, तो पेज में जिस पेज पर डबल क्लिक करेंगे वहाँ पर चले जाएंगे आप। इस तरीके से भी आप जा सकते हैं, या फिर सबसे शॉर्टकट ये कंट्रोल जे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइप कर देंगे जिस पेज पर जाना है वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो ये शॉर्टकट का यूज ज़्यादा करेंगे कीबोर्ड का तो आपका स्पीड जो है फास्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा शॉर्टकट की यूज करें। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्टकट की इंडियन का कम से कम 100-150 शॉर्टकट की है, लेकिन ये जो कॉमन थी जो कि स्टार्टिंग के जो डिजाइनर हैं उनको ये ज़रूर ये सब नॉलेज में होना चाहिए, तो उसको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा और उनका वर्क जो है फास्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट में है डाटा को इंपोर्ट हम कैसे करें, इमेजेस और टेक्स्ट। जैसे मैंने एक बताया था कंट्रोल डी से इंपोर्ट करते हैं, तो मैं आपको इमेज को भी और टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करने का तरीका बताता हूँ। देखिए इमेज को अगर इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे कोई भी आप मान लीजिए कि हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है, एक और बॉक्स बना लिया, एक और बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इमेज लानी है तो कंट्रोल डी करेंगे, जहाँ से इमेज है मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हूँ, यहाँ से मुझे ये इमेज लानी है, ठीक है, इस वाले बॉक्स में ये डालनी है, ठीक है, और तीसरे में डाल दिया मैंने ये, ठीक है, थ्री में डाल दिया। अब इस ये हो गया इमेज के लिए। इस तरीके से अगर इसको सेंटर उन्टर करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करना है कंट्रोल आल्ट ई फिट हो जाएगा, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ई दबाएंगे तो क्या होगा फिट हो गया, ये बैक करो इसको, ये क्या होगा स्ट्रेच होके फिट हुआ है, एक हैंग हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे तो प्रोपोर्शनली फिट हो जाएगा, कंट्रोल आल्ट ई करेंगे तो स्ट्रेच होके फिट होगा ये। अगर आप अंदर से ए क्लिक करेंगे तो इसको अंदर के जो आपका डाटा उसको पकड़ सकते हैं और उसको ऐसे बड़ा करके फिट कर सकते हैं इस तरीके से, तो आपको ये प्रोपोर्शनली फिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई
वर्ड की फाइल लाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। देखिए मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, पहले तो एक कोई भी फ्रेम बनाइए। पहला तरीका ये है कि आप वहाँ से कॉपी कर लो। मान लीजिए मैंने एक वर्ड की फाइल खोल लेता हूँ, जैसे ये है, इस डाटा को मैंने सिलेक्ट किया और इन डिज़ाइन में गया, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो देखो पेस्ट किया, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है, जो यहाँ बोल्ड था, हाइलाइटेड था, वो हट गया। ठीक है, अगर इसको रखना है तो इसकी भी सेटिंग होती है, सेटिंग करके भी ला सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वर्ड की फाइल भी यहाँ पे ला सकते हैं। तो मैंने ये हटाया, कंट्रोल डी दबाया और ये वाली वर्ड की फाइल है, क्लिक किया, देखो डायरेक्ट वर्ड की फाइल यहाँ पे आ गया, जितना फॉन्ट, जितना बोल्ड है, जो भी है, पूरा एज इट इज आ गया। देखो इस तरीके से, अगर आप वैसे नहीं लाना चाहते हैं, बोल्ड भी आए तो उस पर हटा दो। थोड़ा एडवांस लेवल का है, इसमें जाएंगे, एडिट में जाएंगे, प्रीफेस में जाएंगे, ठीक है, टाइप में जाएंगे, क्लिप बोर्ड हैंडलिंग, नहीं क्लिप बोर्ड हैंडलिंग में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद ये क्लिक कर देंगे, ऑल इंफॉर्मेशन इंडेक्स स्विचेज स्टाइल ETC, जैसा है वैसे रहेगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इसको हम कोई भी यहाँ से कॉपी करके लाते हैं, ठीक है, इसे पेस्ट करेंगे। देखिए ये बोल्ड ओल्ड पूरा आ गया, इसमें आपको बोल्ड करने की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। मैं आपको दोबारा सो सेटिंग दिखाता हूँ। एडिट में जाएंगे, प्रीफेस में जाएंगे, प्रीफेस में जाने के बाद एक क्लिप बोर्ड हैंडलिंग, ये ऑल इन्फॉर्मेशन जो आइकन है इस पर, इन दोनों में से कोई एक पे क्लिक कर दो, एक ही पे क्लिक होगा तो ऑल इन्फॉर्मेशन वाले पे क्लिक कर दो, फिर ओके कर दो, ये जैसा आपका बोल्ड होगा वैसा ही आएगा। ये दिक्कत काफ़ी आता है कि जो हमारा बोल्ड जो है हट जाता है, अगर हटाना है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हटाना है वहाँ की फॉर्मेटिंग जो है तो उस पर क्लिक करके लाएंगे तो एज इट इज वहाँ से आ जाएगा। ये इस तरीके से आप डाटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं, इमेजेस को भी और टेक्स्ट को भी। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नेक्स्ट पार्ट है लिंक हैंडलिंग। लिंक हैंडलिंग में क्या है कि इमेजेस की इसमें लिंक बनती है फाइलों की, जो भी अगर आप एडिट करेंगे तो अगर आप वहाँ पे एडिट करेंगे जहाँ से लिंक वाली फाइल है तो यहाँ पे भी ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, तो इसका फ़ायदा बहुत है। इसको हैंडल करना अगर आपको आता है तो इसे फ़ायदा ही फायदा है, क्योंकि बार बार आपको वहाँ से इसमें सेटिंग नहीं करनी पड़ती है। कोरल ड्रॉ में क्या होता है कि उसमें जो भी इमेजेस होती है डायरेक्ट आपके फाइल के अंदर आ जाती है, लिंक का कोई उसमें ऑप्शन नहीं होता, तो उससे फाइल थोड़ा हैवी हो जाती है। तो इसमें जैसे मैं आपको इस फाइल में दिखाता हूँ, यहीं पर मैं दिखाता हूँ, जैसे ऊपर हमने जो इमेज लगाए हैं तो ये क्या हुआ, इसका लिंक बन गया है। कंट्रोल शिफ्ट डी में आएंगे हम, देखिए लिंक कहाँ पे पैनल है, लिंक पैनल में जो इमेजेज यहाँ पे आई है, इस इमेज में कुछ भी एडिट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एडिट हो जाएगा। अगर ये इमेज वहाँ से डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। जैसे मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, पहले उसमें एडिट करके दिखाता हूँ, जैसे आपका ये वाला फोल्डर है, अब इसमें जो इमेजेस हमने लगाए हैं उस इमेजेस को एडिट करते हैं, जैसे ये है, इसको राइट क्लिक करते हैं और फोटोशॉप में खोलते हैं। ये हमारा फोटोशॉप में खुल गया है। अब इस इमेज के अंदर हम कुछ एडिट करते हैं, मान लीजिए इस इमेज को हमने ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया, मोड चेंज कर दिया, इसका सबसे इजी काम है, इसमें हमने ग्रे स्केल कर दिया, ठीक है, इसको हमने यहाँ से फाइल को सेव करके बंद कर दिया। तो अब इन डिजाइन में जब आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एरर आ जाएगा, एक अभी थोड़ा सा इसमें बंद नहीं हुआ क्या, फाइल बंद हो गया,
देखो एरर आ गया, थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 सेकंड का। ये आपका जो एरर आ गया तो इसमें इस पर डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप देखो अपडेट हो गई। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक को हैंडल करना है। इसके अलावा अगर आप इमेज को वहाँ से हटा देते हैं, मान लीजिए मैं दूसरी इमेज की बात करता हूँ, इसकी इस इमेज को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से कट करके हमने डेस्कटॉप पर रख दिया मान लो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या एरर आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन सिंबल टाइप का आ गया कि लिंक ये फोल, ये हमारे लिंक मिसिंग हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको ठीक करने, देखो यहाँ पे 2 एरर आ गया। इस तरीके से बहुत सारे एरर को हैंडल करना होता है इसके अंदर। तो अगर आपको देखो इस दोनों एरर का अलग अलग मतलब है, ठीक है। इस ट्रेंगल एरर का मतलब होता है कि लिंक वहाँ पे फाइल तो है लेकिन अपडेट हुआ है, उसको अपडेट मांग रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब है वहाँ पे फाइल ही नहीं मिल रही, इसको तो फाइल नहीं मिल रही है। तो इस पर क्लिक करेंगे दोबारा से, इस लिंक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर आपको फाइल इसको ढूंढ के देनी है कहाँ पर है। मान लो हमने डेस्कटॉप पर फाइल रखी है तो डेस्कटॉप से इसको टारगेट, इसको मार्क दिखाना है। डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, देखो ये सिंबल यहाँ से हट गया, तो यहाँ से इसको फाइल मिल गई। तो ये है इसका लिंक मिसिंग का आपका एरर आता है, तो इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। 2-3 एरर ही ज़्यादा आएगा, एक या तो अपडेट का आएगा या मिसिंग का आता है। तो ये कब आता है, जब हम फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाते हैं या कहीं और खोलते हैं, उसका पाथ जो है चेंज आता है, तो इस तरीके के इश्यू आता है लिंक हैंडल में। इसके अलावा आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। अब इस पार्ट के अंदर हम जानेंगे स्टाइल मैनेजमेंट, क्योंकि इंडियन के अंदर स्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि कोई भी काम इसमें जो है लंबा वर्क अगर करते हैं तो उसमें स्टाइल के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई चेंज आता है तो उसमें स्टाइल में अगर आपने काम कर रखा है तो एक छोटा सा चेंज करके पूरी 50 पेज की बुक में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए स्टाइल को समझना और उसको मैनेज करना आपको आना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इनडिजाइन में काम करते हैं तो। इससे बहुत ही काम आपका आसान हो जाता है। तो स्टाइल जो है पहले ये जान लेते हैं कितने प्रकार की होती है और कहाँ पे होती है फाइल। तो इस सबसे पहले हमको ये दिखाता हूँ, विंडो में जाएंगे तो इसमें जाएंगे स्टाइल। तो ये देखिए यहाँ पर आपको 5 प्रकार के स्टाइल दिखेगी, सेल स्टाइल, करेक्टर स्टाइल, ऑब्जेक्ट स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल एंड टेबल स्टाइल। लेकिन इसमें से सारा का ज़्यादा यूज होता नहीं है, उतना सक्सेस नहीं है, या कह सकते हैं सब लोग यूज नहीं करते। ज़्यादातर आपको पैराग्राफ स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल, इस दो का यूज होता है। कैरेक्टर का भी बहुत कम होता है, पैराग्राफ का बहुत ज़्यादा होता है। कई बार हम कैरेक्टर और पैराग्राफ को मिक्स करके भी यूज करते हैं, उसको नेस्टेड स्टाइल बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका यूजेज है। उसको हैंडल कैसे करना है आपको ये दिखाता हूँ। इसका मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जब बनता है तो वर्क कैसे करता है। अभी मैंने आपको कुछ पहले इसमें दिखाया भी था, जैसे मान लो ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर जो F11 मैंने क्लिक किया, ये आपका स्टाइल का पैनल खुल गया। तो इसमें जो स्टाइल बन जाती है तो इसका यूज कैसे होता है, जैसे हमारा इस पेज पे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए स्टाइल यहाँ पर आ गया। हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये देखिए सब हेडिंग पर आ गया। इसका मतलब इस टेक्स्ट के अंदर ये सब हेडिंग नाम की स्टाइल यहाँ पे लगी हुई है, और इस पर हमने जैसे क्लिक किया तो इस पर हेडिंग स्टाइल लगी हुई है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया ये हेडिंग पे आ गया। ये प्लस क्यों आ रहा है इसको भी जानना चाहते हैं, तो ये है कि अगर इसमें कुछ एडिट हुआ है, स्टाइल के अलावा कुछ इसमें एडिट हुआ है, तो ये प्लस आ जाता है। अगर इसको हटाना है तो आल्ट क्लिक करके इस पर स्टाइल पर क्लिक कर देंगे तो ओरिजिनल जो इसमें स्टाइल का है वही इसमें लग जाएगा। देखो फर्क क्या था, इसका कलर में चेंज हुआ था, ये रेड है, ये थोड़ा सा रेड से अलग कलर था। तो ये इस तरीके स्टाइल काम करता है।
अगर स्टाइल में कुछ एडिट करना है हमें, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे मान लो ये हमारा अभी हम हैं इस पर, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल की प्रॉपर्टी सारी खुल जाएगी, जो जो स्टाइल में हमने प्रॉपर्टी लगा रखी है। अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने फॉन्ट साइज 18 है, इसको हमने किया 24, ठीक है। इसके अलावा हमने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, यहाँ से ये हमने यूनिवर्स लगा दिया। कलर चेंज करना है, यहाँ से मान लीजिए हमने इसकी कलर भी चेंज कर दी, ठीक है। कलर हम देखते हैं इसमें पहले चेंज करके, जनरल में आते हैं, बेसिक आ गए, एडवांस, करेक्टर, इंडेक्स, टैब, पैराग्राफ। करेक्टर कलर, इसमें हमने कलर में आ गए। तो अगर हमने इसको यहाँ पर रेड, अभी ब्लू है, हमने इसको कर दिया रेड, ठीक है। इन सब चेंज करके इसमें ओके कर दिया। जो जो हमने चेंज किया ये देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब जहाँ जहाँ भी ये स्टाइल लगी होगी वहाँ वहाँ ये चेंज हो गया होगा। जैसे मान लो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हमने इस पर ये सब हेडिंग का स्टाइल लगा दिया, देखो यहाँ भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अगर आपको वहाँ से चेंज नहीं करना है, अगर इसके अंदर हमने चेंज कर दिया कोई भी चीज़, मान लीजिए हमने इसका कलर यहाँ से स्वेचेज में जाके हमने इसका कलर ब्लू से हमने कर दिया ऑरेंज, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ गया। राइट क्लिक करेंगे, रीडिफाइन स्टाइल कर दोगे तो ये क्या होगा, स्टाइल रीडिफाइन हो जाएगा अपने आप, ये ऑरेंज हो जाएगा। आपको देखो लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लो इस पर भी हमारा सब हेडिंग लगा हुआ है, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया और इसको हमने कर दिया ऑरेंज या रेड कर दिया, ठीक है। अब ये देखो प्लस आ गया। अब राइट क्लिक करके यहाँ पे रीडिफाइन करेंगे तो ये वाला भी यहाँ पे करेक्टर, ये वाला स्टाइल जो लगा यहाँ पे भी चेंज जाएगा। देखो ये हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया और यहाँ भी चेंज हो गया। तो पूरी बुक में जहाँ जहाँ भी होगा ये चेंज हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रख के भी चेंज करना होता है कि मान लो आपको वहाँ पे चेंज नहीं करना था, आपने यहाँ पे किया वहाँ भी हो गया, तो इसको आपको केयरफुली करना होता है स्टाइल पे काम। कई बार आपको एक गलती भी हो सकती है तो पूरी बुक में गलत हो जाएगा। तो अगर वैसे सिचुएशन आते हैं तो आप स्टाइल को मत छेड़िए। अगर कलर चेंज ही करना है, स्टाइल को नहीं कुछ करना है, तो आपको केवल यहाँ पे सेलेक्ट करके कलर आप चेंज कर दो। स्टाइल पे, स्टाइल में जो कलर है वही रहने दो, क्योंकि उससे क्या होगा यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आपका चेंज जाएगा। तो ये इसका है। अगर आप स्टाइल को डिलीट करेंगे तो डिलीट करने पर क्या होगा, आपको एक पूछेगा कि इस स्टाइल को डिलीट करने के बाद इस पर अप्लाई कौन सा स्टाइल होगा जहाँ जहाँ पे स्टाइल लगा हुआ है। जैसे मान लो जब हमने इस स्टाइल पर क्लिक किया, इसको डिलीट किया, तो डिलीट करेंगे तो ये पूछेगा इस पर लगाना कौन सा है। ये सारी चीज़ें स्टाइल के अंदर की चीज़ें, बहुत सी डेप्थ की चीज़ें हैं ये। शायद आपको थोड़ी सी बोरिंग भी लगे, लेकिन अगर मान लीजिए हमने इसको हटा के हमने बॉडी लगा दिया, ओके करेंगे, तो बॉडी में जो फीचर है, जो इसके प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे ले लेगा। वो स्टाइल यहाँ से डिलीट हो गई। जहाँ जहाँ भी वो स्टाइल लगी होगी उस स्टाइल पर यह स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो डिलीट कैसे हो गया, आप बनाते कैसे हैं ये आपको जानना है, तो मैं छोटा सा आपको बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए पहले से इसमें तीन चार स्टाइल बने हैं, हम एक नया स्टाइल बना लेते हैं। सबसे पहले एक कोई टेक्स्ट बॉक्स ले लो, इसमें कोई भी हम डाटा इसमें डाल देते हैं। जैसे हमने अपने इस वाले फाइल में आते हैं, ठीक है, हमने मान लीजिए ऊपर वाला ये वाला स्टाइल जो हमारा है, या ऊपर हेडिंग का जो स्टाइल है, हेडिंग में जो हमने लिखा है, इसको हमने पैराग्राफ स्टाइल बनाना है। तो सबसे पहले इस पर न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया पैराग्राफ स्टाइल यहाँ बन जाएगा। इसको हमने कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए हमने एक हेडिंग दे दिया, ठीक है। अब हमारा सब कुछ प्रॉपर्टी पहले से इस पर लगा हुआ है, तो ये जितनी प्रॉपर्टी इस हेडिंग के अंदर आ गई है, अलग से आपको इसमें डिटेलिंग हमने कुछ नहीं डाला। जैसे अब इस पर आपको हेडिंग की स्टाइल लगानी है, अभी क्या ये देखो बेसिक पैराग्राफ स्टाइल लगा हुआ है, तो अगर हमने इस पर क्लिक किया और अब ये हमने हेडिंग पे क्लिक किया, तो ये ऊपर वाली स्टाइल यहाँ पे लग जाएगी। ये देखो आपको दोबारा से सारा प्रॉपर्टी, कलर चेंज, फॉन्ट बड़ा कुछ भी नहीं करना, केवल इस पर आपको क्लिक करना है, तो वहाँ पर आपको स्टाइल ये लग जाती है।
तो इस तरीके से मान लीजिए इस पे लगाना है, तो बारी बारी से भी लगा सकते हैं हम, जिस पे लगाना है स्टाइल पे। इसमें देखो क्या हो, कलर आ गया लेकिन ये प्लस का सिंबल आ रहा है। प्लस सिंबल इसलिए आ रहा है कि पूरी तरीके से इस पे ये नहीं अप्लाई हुआ है। आल्ट क्लिक करके उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। कभी कभी ये इशू भी आता है कि स्टाइल भी पूरी तरीके से लग नहीं पाता है, तो आल्ट क्लिक करके, आल्ट को होल्ड करके रखना है, इस पर क्लिक करना है, तो स्टाइल पूरी तरीके से इस पर लग जाएगा। तो ये स्टाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे इस पर लगाएंगे, कोई एडिट करना है तो इस पर डबल क्लिक करके इस पर एडिट भी कर सकते हो, डिलीट करना है तो रिप्लेस आपको मांगेगा। और इसके अलावा स्टाइल को आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें स्टाइल के अंदर, वो थोड़ी एडवांस में जाती है। तो बेसिक इतना आपको इसमें मैंने समझा दिया है, आगे के इसके एडवांस कोर्स में आपको और डिटेल से मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसमें क्या है, एरर मैनेजमेंट। इसमें एरर क्या होगा कि कई प्रकार की इसमें एरर आती है। मेन बेसिक एरर जो होती है, यहाँ पे रेड रेड जो रहते हैं, ये जो गोल्स होता है ये रेड बन जाता है। जैसे हमें रेड दिखा रहा है इसका तो मतलब एक कहीं पे एरर है, एक यहाँ पे एरर दिखाएगा, एक ये जो लिंक वाला पैनल है यहाँ भी एरर दिखाता है कोई भी एरर आती है तो, या एक एरर यहाँ भी दिखाएगा। जब प्री फ्लाइट में जाएंगे, पैकेज में जाएंगे, तो जो भी फाइल के अंदर एरर होगा तो इस पर दिखा देगा। तो थ्री लिंक फाउंड वन मॉडिफाई जो भी एरर, थ्री RGB, इस तरीके से यहाँ पे फॉन्ट का एरर जो भी है, कितने प्रकार की RGB कलर है, जो भी इसमें एरर है यहाँ से एरर आप देख सकते हैं। तो एरर देखने का बता दिया, अब हर एरर का क्या मतलब है, उसको कैसे ठीक करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ये जैसे जैसे प्रैक्टिकल इसमें करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे जो दो तीन प्रकार का कॉमन एरर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो कॉमन एरर ये आता है कि टेक्स्ट ओवरफ्लो पे एरर आता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमने इसको यहाँ तक ऊपर कर दिया, यहाँ पे देखिए दो हो जाएगा, ये दो हो गया क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट ये छुपा हुआ है, यहाँ पे रेड सिंबल आ गया। अगर इसको एक तरीका यह है कि उसको हटा दो, अब एक जगह और एरर आ रहा है उस पर डबल क्लिक करो, ये लिंक दिखा रहा है, लिंक मॉडिफाई 11 नंबर पेज पे, ये देखो ये क्या हो रहा है, हमने जो एडिट किया था बोल रहा है कि लिंक जो है वहाँ पे मॉडिफाई हो रखा है, आपको क्या करना है, अपडेट करना है कि नहीं करना है, तो इस पर हमने डबल क्लिक कर देना है, अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें एरर आता है, देखिए एरर यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो हो गया। दो तीन प्रकार एरर है, उसको हैंडल करना बहुत ही इजी है। आप स्टार्टिंग में क्या होता है, हम एरर देख के घबरा जाते हैं, एरर आ गया कैसे करें कैसे करें, तो उस एरर को पहले समझिए, वो एरर किस, हर एरर बताता है अपना अपना, उसका एक शक्ल होता है एरर का, क्यों आता है। कई बार हम जानबूझ के एरर यहाँ से क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो इस प्रीव साइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके अंदर हम एरर को फाइंड करने का अलग अलग इसमें टेक्निक हम डिफाइन करते हैं कि कहाँ पर कौन सा एरर फाइंड करना है। यहाँ पे अपना प्री फ्लाइट बना सकते हो, ये थोड़ी डेप्थ की चीज़ें हैं, तो वो आपको एरर और फाइंड करके बताएगा जो कि अंदर के एरर है जो आप ढूंढ रहे। मान लो कभी आप कहीं पे आपने इसमें CMYK के कलर यूज कर रखा है, RGB यूज कर रखा है, या इमेजेस के अंदर कोई अलग अलग इमेजेस यूज हो रखी है, या टेक्स्ट कोई अगर छोटा कहीं पर यूज हो रखा है, तो उसको हम सिलेक्ट कर करके यहाँ से जिसको आपको फाइंड करना है उस पर क्लिक करेंगे तो फाइंड करेगा। इस तरीके से बहुत सारी इसमें और सारी डिटेलिंग है इसके अंदर, तो बहुत अंदर की डेप्थ की बहुत सारी कमांडें हैं इंडियन के अंदर। तो इस तरीके से आप कम से कम बेसिक एरर को आप मैनेज करना आपको इसमें आ गया होगा समझ। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। 9 नंबर में एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ, जितने मैंने टूल्स बताए हैं इन सब का यूज करके। आइए सबसे पहले एक नया पेज लेते हैं, न्यू पेज में बताता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट जो इसका है आउटपुट फाइल, फाइल को हम कैसे आउटपुट में निकालेंगे, प्रिंटर को कैसे भेजते हैं, कैसे PDF बनाते हैं, ओरिजिनल फाइल कैसे सेव करते हैं, पैकेज कैसे बनाते हैं, तो उसी फाइल को हम ये सब पैकेज लास्ट में बनाएंगे। तो मैं एक नया पेज लेता हूँ, A4 का मैं पेज लेता हूँ नया, हमने ये एक नई फाइल खोल ली है, एक पेज का ही मैंने क्रिएट किया है।
तो सबसे पहला काम ये करते हैं, इसमें कोई भी एक ग्राउंड लेके आते हैं। एक ग्राउंड हम लास्ट में भी डाल सकते हैं, पहले इसकी हेडिंग या डाटा। डाटा जो है मैं आपको, यह है ब्लॉग है फ्री ग्राफिक डॉट इन, इसमें से ये डाटा हम ले लेते हैं। इसकी ये हेडिंग है, ये मैंने एक कोर्स बनाया है उसी का मैं एक पेज का इंट्रो टाइप में बना रहा हूँ। मैंने टेक्स्ट टूल ले लिया है और यहाँ पे एक टेक्स्ट को मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसको फॉन्ट मैंने कोई बड़ा ले लेता हूँ, इससे बड़ा फॉन्ट जिससे कि सही से दिखे। अब इसका फॉन्ट हम कर देते हैं बड़ा, 50 फॉन्ट कर देते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल आल्ट सी करूँगा क्योंकि टेक्स्ट में जो छुपा हुआ है वो सारा बाहर आ जाए। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब फिर हम इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। सेंटर अलाइन करने के लिए कई सारे तरीके हैं, एक तो इस पर क्लिक कर लीजिए या फिर कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे तो उससे भी आपका सेंटर अलाइन हो जाएगा ऐसे। अब देखिए ये हमारा मेन हेडिंग है, ये उसका हेडिंग का सब हेडिंग है, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको कर देते हैं 35, ठीक है। अब हम कलर में देख लेते हैं, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर हम रेड कर देते हैं, रेड। और इसको हम कर देते हैं ब्लू, ठीक है। अब जो नीचे का जो पार्ट है यहाँ से हमने टेक्स्ट ले लेते हैं इसका, टेक्स्ट मैटर है, यहाँ तक हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इसके लिए हम एक अलग से टेक्स्ट फ्रेम लेते हैं, ऐसे हमने क्लिक किया ड्रैग करके, इसमें हमने डाटा डाल दिया। अब देखो डाटा डालने के बाद क्या हो रहा है, ये बोल्ड हमारा वहाँ से नहीं ले रहा है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे, एडिट में जाएंगे, प्रीफेस में जाएंगे, और हम यहाँ पे प्रीफेस में जाने के बाद क्लिप बोर्ड हैंडलिंग पे इस पर क्लिक कर देंगे। एक क्लिक है तो नहीं ले रहा है, इसका मतलब पहले उसको हम वर्ड में पेस्ट करते हैं, ठीक है। वर्ड में पेस्ट करने के बाद अब लेके आते हैं क्योंकि नेट से कई बार वो नहीं लेता है। अब देखिए हमारा ये बोल्ड जो है बोल्ड ले लिया है, लेकिन ये क्या किया है, इंटर कहीं कहीं नहीं लिया है, जहाँ पे जो एंटर है वो नहीं लिया, तो हम इंटर मार देते हैं या फिर हम दूसरी फाइल भी ले सकते हैं जो हमारे पास फाइल है। ठीक है, हमने यहाँ से एंटर मार दिया इसको, जहाँ से नई हेडिंग बन रहा है। अब देखो जो मैंने बताया था शॉर्टकट की का यूज होता है, इसको हमने कंट्रोल आल्ट सी कर दिया, जो डाटा इसमें छुपा हुआ है सारा डाटा इसमें दिख जाएगा। इस फ्रेम को और थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर लो। ये सारी हेडिंग जो हमने एंटर मार दी, अब इसमें क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि इस हेडिंग को थोड़ा और बोल्ड कर दो। इसका फॉन्ट हम कर देते हैं 10 कर देते हैं, इसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है। तो इसके हम एक स्टाइल बना लेते हैं, ये स्टाइल हम सारे पे नीचे लगा देंगे। तो स्टाइल बनाने के लिए F11 करेंगे, ठीक है, एक न्यू स्टाइल पर क्लिक करेंगे, हमने इसको दे दिया, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं सब हेडिंग, ठीक है। अब इसकी जो हमारा लीडिंग है इसको भी इस पर थोड़ा काम करते हैं। इसको हम इसको थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो स्टाइल है सब हेडिंग का,
इन सब पे लगा देते हैं जहाँ जहाँ हमने ये हेडिंग है। अब देखो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर क्लिक करो, इसको हम शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने शॉर्टकट की Ctrl 1 मान लो रख दिया, ठीक है, इसको ओके कर दिया, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, Ctrl 1 क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हमारा जो स्टाइल है ये लग जाएगा। देखिए इस तरीके से, तो हम कम से कम माउस का यूज कर रहे हैं, इससे क्या होगा काम हमारा फास्ट होगा। तो ये हमारा सब पे स्टाइल लग गया है। ये जो है इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, अगर एक पेज में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, एक लाइन में ही ला देते हैं, ठीक है, इसको भी छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम Alt Ctrl C से फ्रेम को फिट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से ये ला दिया, तो ये हमारा डाटा लगभग यहाँ पे पेस्ट हो गया है, जो हमारा इसका डाटा है। देखिए सिंपल हुआ है, कोई ज़्यादा डिजाइनिंग इसमें अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो एक इमेज लाते हैं जो मैंने रखा है ये लाते हैं, ठीक है, ये सारे वेबसाइट के लोगो हैं जिस पे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लोगो लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा एक मैंने फ़ोटो है उसको भी हम ला सकते हैं, इस फोटो को यहाँ पे ला दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको नीचे लगा दिया मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, इसको हमने यहाँ से जूम कर दिया, चाहे छोटा ही रखने दें। फिर हम इसको टेक्स्ट रैप कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर दिया हमने, ठीक है, ये टेक्स्ट रैप हो गया। इसके अलावा अगर हम कोई बैकग्राउंड इस पर देना चाहते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, एक बड़ा सा इस पर बॉक्स बनाते हैं पूरे पेज पे, ठीक है, यहाँ से बना दिया बैकग्राउंड बॉक्स, ठीक है, और उसमें कोई हम इसमें कलर डाल देते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर डाल सकते हैं, ठीक है, हम इसको अब बैक में कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा एक पेज, सिंपल सा पेज बनाया मैंने, ज़्यादा डिजाइनिंग इस पर नहीं डाला है। इस तरीके से आप शॉर्टकट का यूज करके आप 10 मिनट के अंदर भी कोई पेज आप बना सकते हैं और इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसमें शेडिंग वेडिंग कहीं पे देना है, बॉक्स लगाना है, आप इसमें लगा सकते हैं। अब इसकी आउटपुट ओरिजिनल फाइल आपको कैसे बनाएंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है इस सीरीज का, प्रोजेक्ट तो हमने बना दिया, अब आउटपुट फाइल ये कैसे इसके हम निकालें। तो ये जो हमने डिजाइन बनाया है तो इसका आउटपुट फाइल जो है, एक तो ये इन डिजाइन की फाइल हो गई, ये हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, अब इसको PDF कैसे बनाएंगे। देखिए ये हमने इसमें दो लिंक लगा दिया है, यहाँ पे ये इसकी स्टाइलिंग आ गई है। PDF बनाने के लिए क्या करेंगे कि फाइल मेनू में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से PDF आ जाएगा, ठीक है, हम इसको डेस्कटॉप पे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमारा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये PDF हमारा बन गया, ठीक है, एक तो ये तरीका है। इसके अलावा जो है अगर आपको प्रिंट के लिए बनानी है PDF, तो देखिए क्या करेंगे, प्रिंट में जाएंगे, इसमें जाएंगे हाई क्वालिटी, एक होता है X1 PDF X1, इस पर क्लिक करेंगे, ये क्या होता है प्रिंटर को अगर फाइल देनी है तो इस PDF को हम बना सकते हैं। इस पर क्या है, इस पर हम कर दो
प्रिंट, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कट मार्क, इस पर क्लिक कर देंगे क्रॉप मार्क में लग जाएंगे, कितना एमएम का कितना ऑफसेट देनी है, कितने डिस्टेंस पे देनी है। इसको मान लीजिए हमने 5 mm कर दिया तो कट मार्क डिस्टेंस हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद इसमें आप मार्जिन अगर है तो ब्लीड देना है नहीं देना है, तो ये सब बहुत सारी इसमें सेटिंग है। तो इसमें सेटिंग करके कैसे कैसे क्या करना है, ये प्रिंटर के ऊपर है आपकी फाइल कैसी है, उसमें ब्लीडिंग की जरूरत है कि नहीं है। उसके बाद एक्सपोर्ट कर देंगे हम, एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ये ओरिजिनल फाइल आपको दिखाता हूँ, जो हमारी एक्सपोर्ट वाली फाइल बनी है प्रिंट वाली। ये देखिए इसमें क्या आ गया, क्रॉप मार्क आ गया। अब पूरी ये क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, उससे हाई क्वालिटी की पीडीएफ है। इसमें पीडीएफ में और इस पीडीएफ में देखिए क्या अंतर है। ये देखिए ये क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है, और ये पीडीएफ उतना ब्लर नहीं हो रहा है दोनों जेपीजी। इस तरीके से फ़ोटो में देख सकते हैं ये कितनी हाई क्वालिटी की पीडीएफ है, और दूसरी वाली जो फ़ोटो है उसमें देखेंगे क्या है, लो क्वालिटी की फ़ोटो होगी। ये देखिए थोड़ी सी ब्लर हो रही है। तो ये होता है प्रिंट के लिए, और इसके लिए अलग अलग पीडीएफ बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं मैंने आपको इसमें बताया है। तो अब आते हैं इस पे, फाइल को कैसे हमने बनाया, और इंडिजाइन की जो फाइल है आपको इसी प्रोजेक्ट में आपको देखिए ये वाली फाइल बनी है .indd। ये प्रोजेक्ट फाइल इंडिजाइन के है और ये पीडीएफ है। ये सारे इसका लिंक का डाटा जो जो इसमें लिंक हुआ है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा ये वाला फाइल है, अब इसको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है कि कहीं पे जाके दूसरे कंप्यूटर में भी खुले और सारा लिंक वहाँ से ले ले, तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको फाइल में जाएंगे, ये जाएंगे पैकेज, तो पैकेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पैकेज पे क्लिक करने से पहले आप इसमें देख लो क्या क्या एरर आ रहा है। एरर कोई बिग एरर नहीं है, तो आप प्रिंटर के लिए एक्सपोर्ट कीजिए, पैकेज पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए पैकेज, ओके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक आपका फोल्डर बन गया होगा, ये देखिए प्रोजेक्ट वन फोल्डर। इसमें क्या होगा, इंडियन की फाइल, इसमें जो भी लिंक है हमारा, दो इसमें हमने लिंक लगाए हैं, और इसके जो फॉन्ट है, तो ये सारा प्रोजेक्ट बन गया। इस प्रोजेक्ट फाइल को आप किसी कंप्यूटर में ले जाकर खोलेंगे तो अपने आप वहाँ से सारा कुछ ले लेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई लिंक मिसिंग नहीं आएगा। लिंक मिसिंग आता है इस लिंक वाले फोल्डर से आप उसको लिंक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कैसे आप आउटपुट निकालेंगे फाइल को, और कैसे प्रिंटर को दे सकते हैं, और एक प्रोजेक्ट फाइल कैसे निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।